तो दोस्तों तत्व चिंतन फार्मा ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए मिलियंस में दिया गया, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 96 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 120 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो गिर के मात्र 84 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के जो रेवेन्यू है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 30% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली। वहाँ पर भी देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 12 से 13% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी 86 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 107 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 80 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के खर्चे देखें तो ठीक है, लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू गिरा है वो बहुत चिंता वाली बात है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी 7.7 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 11 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो गिर के मात्र 3.5 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला। मात्र 3.5 करोड़, मतलब साल से साल बात करें तो 70% कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर तो और बड़ी गिरावट है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 55% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। मतलब गजब तरीके से कंपनी ने इस क्वार्टर में अपने नंबर्स को दिए हैं। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 3.43 रुपये का था, पिछले साल 5.24 रुपये, अभी देखें तो गिर के मात्र 1.5 रुपये के आसपास आ चुका है। जहां 5.5 रुपये का ईपीएस हुआ करता था पिछले साल, 1.5 रुपये के आसपास कंपनी का ईपीएस आपको आता हुआ देखने में। बहुत सरप्राइज है यहां पे कंपनी के नंबर, ये जो कंपनी ने दिए हैं रेवेन्यू इतनी बुरी तरीके से गिना, ये तो मेरे हिसाब से मार्केट उम्मीद लगा बिल्कुल नहीं बैठा हुआ था। जहां कंपनी 120 करोड़ का रेवेन्यू पिछले साल दिखाई थी, अभी 84 करोड़ का रेवेन्यू, ऐसे कैसे गिर सकता है कंपनी का रेवेन्यू इतने एक साल के अंदर। तो चलिए ओवरऑल देखें तो नंबर बहुत बहुत ज़्यादा खराब आपको देखने को मिले। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो नंबर खराब है, हो सकता है एक बड़ा एक्सीडेंट इस शेयर के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।